सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। जन्मदिन पर मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जन्मदिन के मौके पर सीएम की ताजपोशी। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। 15 दिसंबर वो तारीख है जो भावी सीएम भजनलाल के जीवन को खास बनाएगी, क्योंकि इस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जयपुर में जोर शोर से चल रही हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है। 15 दिसंबर सुबह 11:15 पर अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 अल्बर्ट हॉल, रामनिवास पार्क। सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी 15 दिसंबर को होगी। ये दिन उनके लिए बेहद खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। संघ के करीबी और सांगानेर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश के भावी सीएम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। राम निवास बाग, वहां शपथ ग्रहण भव्य समारोह होगा। उसमें हम सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी उस भव्य समारोह में सभी भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो उनके लिए बेहद खास होगा। ऐसे में सूबे की कमान संभालने के बाद उन्हें जनता को विकास का रिटर्न गिफ्ट देना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विधायक दल की मीटिंग में जो शख्स कतार में सबसे पीछे खड़ा था, वो सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गया और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुखिया बन गया। नाम के ऐलान से पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन पार्टी आला कमान के फैसले ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि ये फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बात की खबर ना तो पार्टी के भीतर थी और ना ही बाहर। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि उन्हें संगठन का अनुभव और आरएसएस बैकग्राउंड सीएम की रेस में सबसे आगे लेकर गया। भजनलाल के सीएम बनने के पीछे भले ही कोई भी तर्क दिया जा रहा हो, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि नाम पहले ही तय हो चुका था और शायद यही वजह है कि पार्टी और संघ ने सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से उतारा। संघ के पदाधिकारियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। भजनलाल शर्मा भरतपुर से चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सरपंच से सीएम तक का सफर आज आपको बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 दिसंबर को जयपुर के राम निवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। रिपोर्ट देखिए। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख के बाद जगह और समय पर भी मोहर लग गई है। 15 दिसंबर को रामनिवास बाग में सुबह 11:15 शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी ने समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने समारोह स्थल का जायजा लेने के साथ ही पार्टी कार्यालय में
तैयारियों को लेकर बैठक की। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी तमाम नेताओं को निमंत्रण पत्र भेज रही है। इसके अलावा प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी समारोह में शामिल होंगे। माननीय भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया जी, माननीय प्रेमचंद बेरवा जी, इनकी शपथ ग्रहण भव्य समारोह में पूरे प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि, सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। और हम इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को और अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में आने का सबको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे। एक भव्य समारोह होगा, राम निवास बाग में कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारियां चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे जितने भी देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी संगठनों के जो मुख्यमंत्री है उनको आमंत्रण दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी केंद्रीय मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रवास करे हैं उनको आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको आमंत्रण दे रहे हैं, सहयोगी संगठनों के सभी पदाधिकारी उनको आमंत्रण दे रहे हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सारे वो लोग जिन्होंने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की है वो सभी हमारे अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा एक दर्जन से ज्यादा विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अंदर खाने चर्चा है कि पार्टी ने मंत्रिमंडल की तलाश शुरू कर दी है। इस मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन, अनुभव, युवा और महिला वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कई विधायकों के नाम चर्चाओं में हैं। पुष्पेंद्र सिंह राणावत विधायक बाली, जोगेश्वर गर्ग विधायक जालोर, किरोड़ीलाल मीणा विधायक सवाई माधोपुर, मदन दिलावर विधायक रामगंज मंडी, संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल विधायक खाजूवाला, गुरवीर सिंह विधायक सादुलशहर, गुलदीप धनकड़ विधायक विराट नगर, दीप्ति किरण माहेश्वरी विधायक राजसमंद, ओटाराम देवासी विधायक सिरोही, बाबू सिंह राठौर विधायक शेरगढ़, बाबा बालकनाथ विधायक तिजारा, हमीर सिंह भायल विधायक सिवान, महंत प्रतापपुरी पोखरा, अनीता भदेल विधायक अजमेर दक्षिण, शंकर डेचा विधायक सागवाड़ा, श्रीचंद कृपलानी विधायक निम्बाहेड़ा, जवाहर सिंह बेडम विधायक नगर, भागचंद सैनी विधायक बांदीकुई, रामस्वरूप लांबा विधायक नसीराबाद, हरलाल सहारण विधायक चूरू, छोटू सिंह भाटी विधायक जैसलमेर। सीएम और डिप्टी सीएम के चौंकाने वाले नामों को देखते हुए अभी कोई भी विधायक मंत्री पद को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कई विधायक अभी भी जयपुर में ही हैं और पार्टी में अलग अलग स्तर पर मेल मुलाकात कर लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं। उधर सीपी जोशी ने सीएम गहलोत पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर निशाना भी साधा। अशोक गहलोत साहब, आपके लीडर अपोजिशन के लिए क्या शुरुआत था उस बैठक में कि हाईकमान जो कहेगा उसके आदेश की पालना करेंगे, वो भूल गए क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सबकी राय के आधार पर ही निर्णय होते हैं। बेशक सीएम और डिप्टी सीएम के नामों में बीजेपी ने सभी को चौंकाने का काम किया है, लेकिन मंत्रिमंडल में चौंकाने की बजाय कई चीजों को साधने की कोशिश किए जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन साधने की ज्यादा कोशिश होगी। जिन जिलों से बीजेपी ज्यादा सीटें जीती है वहां ज्यादा मंत्री पद मिलने के आसार हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी कमजोर रही है वहां से भी मंत्री पद देकर मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और बीजेपी ने इस बार